हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह, ग्यारस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 चार के चारों क्लासों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिजिक्स में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, और उन्ही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी करते हैं। और 11th और 12th के लिए खासकर डेरिवेशन जरूरी होता है। तो जो डेरिवेशन होता है वो उसके लिए ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत काम में आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं बेसिक फिजिक्स, पार्ट वन में हम पढ़ा रहे हैं। पहले देखते हैं कि फिजिक्स के बारे में, तो जैसा कि आप लोग जानते हो जो फिजिक्स होता है, अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स आपका फ्यूजन सबसे बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है नेचर। जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है आपका मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। तो फिजिक्स कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब पदार्थ और ऊर्जा के कारण ही है। जितनी भी चीजें बनी है इन्हीं की वजह से बनी है, मैटर और एनर्जी, या तो इन दोनों के संयोग से बना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो फिजिक्स कहता है जो कुछ भी है वो मैटर है और एनर्जी है। और मैटर तो आप जानते हो कितने प्रकार का होता है। जो मैटर होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, तीन होती है। पहला आपका होता है सॉलिड, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं। दूसरा आपका होता है लिक्विड, होता है लिक्विड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और तीसरा आपका होता है गैस। और एनर्जी की बात करें तो आपके पास जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा से रिलेटेड एक समीकरण आया जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहा जाता है। आइंस्टीन का जो समीकरण होता है वो आपका होता है E इज्क्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, जहां पर E आपको क्या है, एनर्जी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। M क्या है आपका द्रव्यमान है, मास। और सी क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है, सी का मान कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आइंस्टीन ने बताया कि अगर आपके पास द्रव्यमान हो तो उसे ऊर्जा में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके रिलेशन में उन्होंने एक ही कहते हैं समीकरण दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। तो इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ये आपका ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि फिजिक्स में हम लोग जितनी चीजें पढ़ते हैं सब क्या होता है, जिन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है, तो फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं सबके सब क्या है, भौतिक राशियां। और इनकी खास बात यह है कि इन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और कोई भी भौतिक राशि होता है तो उसके लिए दो चीज जरूरी होता है। अगर भौतिक राशि के हम यहाँ भौतिक राशियों के बारे में बात करें तो इनके लिए दो चीज बहुत जरूरी होता है। पहला तो आपका संख्यात्मक मान, और दूसरा आपका होता है मात्रक। मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और संख्यात्मक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। और जब संख्यात्मक मान और मात्रक साथ में मिलते हैं तो किसी भी भौतिक राशि का क्या मिलता है, परिमाण मिलता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि भौतिक राशि का परिमाण क्या होगा, जो परिमाण होगा वो आपका परिमाण बराबर आपका होगा संख्यात्मक मान गुणते क्या होगा, मात्रक।
संख्यातम मान गुणते मात्रा। अब मैग्नीट्यूड को अगर हम क्यू से लिख लें तो संख्यातम मान को एन से लिखेंगे स्मॉल एन से, और मात्रा को किससे लिखेंगे यू से, तो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। क्यू क्या है? परिमाण। परिमाण को हम लोग इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपका यूनिट। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान में हम कुछ भी ले सकते हैं, द्रव्यमान में हम चीनी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने कहा चीनी हमारे पास कितना किलोग्राम है? 5 किलोग्राम। चीनी कितना है? 5 किलोग्राम। तो ये जो आपका है 5 किलोग्राम, ये 5 जो है वो क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान। और किलोग्राम क्या है? यूनिट है, मात्रक है। और ये जो पूरा मिला के आपका 5 किलोग्राम है, ये क्या है? उस द्रव्यमान का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। क्या है? परिमाण है, ठीक है। और इनके बिना अगर इन दोनों में से, अर्थात संख्यात्मक मान और मात्रक में से, दो में से कोई भी अगर एक नहीं होता है तो उसका एक जो सेंस होता है, कंप्लीट सेंस होता है, वो ठीक से हम डिफाइन नहीं कर पाते। सामने अगर किसी के सामने आप उसे क्या कहते हैं बताओगे, किसी से बताओगे क्या कहते हैं, तो वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। जैसे आप दुकान पे हमेशा जाते हो, आप द्रव्यमान में कुछ भी लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, नमकीन लेने जाते हो, कुछ भी आप लेने जाते हो, अगर आप वहां जाते हो जब, तो आप कहते हो कि भैया हमें चीनी दे दीजिए, तो वो पूछता है कितना, तो आप कहते हो 2 किलोग्राम। आपने परिमाण बताया उस द्रव्यमान का, उसे एक कंप्लीट सेंस प्राप्त हुआ और उसने क्या किया, चीनी को तौला और आपको दे दिया। लेकिन अगर आप जाते हो वहां पे, आप मात्रक नहीं बताते हो, आप मात्रक नहीं बताते हो, और केवल क्या बताते हो? संख्यात्मक मान। केवल और केवल क्या बताते हो? संख्यात्मक मान। उस संख्यात्मक मान को अगर आप बताते हो भैया हमें 5 दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, आप हमें 5 चीनी दे दीजिए, तो वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा कि 5 क्या, कितना चाहिए, किलोग्राम चाहिए कि क्या चाहिए, वो तुरंत बोलेगा। अगर आप संख्यात्मक मान की जगह आप क्या करो, मात्रक बताओ, संख्यात्मक मान मत बताओ, और केवल क्या बताओ, मात्रक बताओ। तो अगर आप मात्रक बताओगे तो आप उससे गए, आपने उनसे बोला कि भैया मुझे किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कितना। लेकिन जैसे आपने बता दिया कि हमें 3 किलोग्राम चीनी चाहिए, ये क्या है? कंप्लीट सेंस, और वो आपका तुरंत काम कर देगा। ऐसे आप लंबाई की बात कर लीजिए, लंबाई, लेंथ, लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई मान लीजिए 5 मीटर आपके पास क्या है, तार है, तो 5 क्या हो गया आपका, संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। मीटर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। और ये जो पूरा कंप्लीट है वो आपका क्या होगा, लंबाई का मैग्नीट्यूड। ये भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का परिमाण क्या होगा, 5 मीटर। समझ में आ गया। अब यहां बात करते हैं कि हमने कहा ये तो आप जान गए, संख्यात्मक मान रियल में होता क्या है। तो संख्यात्मक मान ये बताता है कि जिस भी राशि का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं, उसमें वो कितनी बार शामिल हुआ है, उसमें वो कितनी बार शामिल हुआ है। जैसे हमने कहा 5 मीटर का क्या है, लंबाई है। अगर 5 मीटर की लंबाई है, हमने कहा 5 मीटर की जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, तो हमने कहा अगर ये कुल मिला के कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर अगर कुल है टोटल यहां से यहां तक, तो ये बताता है कि वो एक एक मीटर करके कितनी बार शामिल हुआ है, 5 बार शामिल हुआ, ये संख्या का मान बताता है। और मात्रक क्या बताता है, ये बताता है उस भौतिक राशि को किसमें मेजर किया गया है, किसमें मापा गया है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसलिए यहां पर लंबाई किसमें मापा गया है, मीटर में। कितनी बार मापा गया है, 5 बार, एक एक मीटर करके 5 बार मापा गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका भौतिक राशि। क्या जरूरी होता है, संख्यात्मक मान और मात्रक, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर इन संख्यात्मक मान की बात करें, इन संख्यात्मक मान की हम बात करें और मात्रक की बात करें, तो हमने कहा कि जो संख्यात्मक मान होता है, जो संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान जो होता है वो मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है।
मात्रा का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संख्यात्मक मान मात्रा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इन दोनों में रिलेशन कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो मैंने कहा अगर यह संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है तो ये क्या होगा, उसका उल्टा। अब जो रिलेशन होता है संख्यात्मक मान को n v प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट। अगर रिलेशन को देखा जाए तो दो प्रकार का रिलेशन होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इनवर्स होता है। तो डायरेक्ट में जैसे हमने एक्स प्रोपोर्शनल वाई लिखा, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसे हम लिखे पढ़ेंगे एक्स अनुक्रमण पाते वाई। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, अगर एक का मान आप बदलोगे, अगर एक का मान आपने बढ़ा दिया तो दूसरे का मान बढ़ जाता है, अगर एक का मान आपने घटा दिया दूसरे का मान भी क्या हो जाएगा। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y, x व्युत्क्रम पाते y। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे का मान क्या होगा, घटेगा, अगर इसे घटाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स है कि डायरेक्ट, तो इनवर्स है। तो इनवर्स में इसका मतलब यूनिट आपका जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान उतना ही क्या होगा, छोटा, और यूनिट आपका जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही क्या होगा, बड़ा। समझ में आ गया। तो